हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल GTS राइट। और आज मैं एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन BS4 मॉडल वर्सेस BS6 मॉडल, एंड क्यों आपको BS4 मॉडल प्रेफर करनी चाहिए ओवर द BS6 मॉडल। मैं ये अब इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ आपको क्यों BS4 मॉडल ही लेना चाहिए BS6 मॉडल के कंपेयर में, एंड क्यों आपको BS6 मॉडल प्रिफर करने चाहिए ओवर द BS4 मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द रीज़न व्हाई टू पिक BS4 मॉडल। सो फर्स्ट हम बात करते हैं BS4 मॉडल बेटर है BS6 मॉडल के टर्म्स में, किन किन टर्म्स में एक्चुअली। सो इस टर्म्स में मैं दो रीज़न दूंगा। फर्स्ट होगी वो होगी प्राइस डिफरेंसेस। डेफिनेटली हम इंडियंस कस्टमर प्राइस को काफ़ी रिलेट करते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। सो अभी जो बाइक BS4 मॉडल है वो कंपेयर्ड टू BS6 मॉडल चीपर है, क्योंकि BS6 मॉडल डेफिनेटली ही कॉस्टली होंगे कंपेयर टू BS4 मॉडल। सो अब बात आती है कि BS6 मॉडल तो नई जनरेशन वाली बाइक होगी, सो हम BS6 मॉडल को ही क्यों प्रेफर करेंगे, BS4 मॉडल को ही क्यों प्रेफर करेंगे कंपेयर टू BS6 मॉडल। ये इसलिए क्योंकि जो बाइक की प्राइस रहेगी वो एक शोरूम इंक्रीज़ होने वाली है, ये शोरूम में हमारे लोकल शोरूम में आने से पहले ही इंक्रीज़ होके आएगी बाइक की प्राइस, और जो आपको पेमेंट करनी होगी बाइक की उसमें एक्चुअली आपको एक्स शोरूम वाली प्राइस तो पे करनी ही होगी, साथ में आपको एक्स्ट्रा और पे करना होगा, क्योंकि जब शोरूम में आती है बाइक तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी, रोड टैक्स, ये ओवरऑल एक फिगर बना के आपको ये बाइक सेल करेंगे विद इंश्योरेंस एंड जो फॉर्मेलिटीज़ होती है बाइक परचेज करते टाइम, वो फॉर्मेलिटीज़ के साथ आपको बाइक काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी अभी कंपेयर टू BS4 मॉडल। सो आपको इस टर्म में प्राइस अगर आपको ज़्यादा पे नहीं करने का मन है तो आप BS4 मॉडल डेफिनेटली अभी पिक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में BS6 मॉडल कंपलसरी हो जाएगी सभी कंपनीज़ के लिए। सो आपको चाहे या ना चाहे आपको ओवरऑल एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा ओवर द BS4 मॉडल। सो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने और हैं BS6 नॉर्म्स को लागू होने में, सो उससे पहले आपको BS4 मॉडल और बहुत सारे बाइक्स में BS6 मॉडल भी अवेलेबल हो जाएगी शोरूम पे, बट अभी भी बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल होंगे BS4 मॉडल के। सो स्टॉक ख़त्म होने से पहले आपको डेफिनेटली BS4 मॉडल पिक करना चाहिए अगर आप प्राइस ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, क्योंकि आप बाइक लेंगे या ना लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई और ले लेगा BS4 मॉडल, वो स्टॉक को ख़त्म करके ही BS6 मॉडल को सेल करेंगे। सो आप अभी ले सकते अगर आपको प्राइस में थोड़ी बहुत रिलीफ चाहिए तो, एंड आप BS6 मॉडल भी पिक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है एक्स्ट्रा पे करके। वो वैसे BS6 वाली मॉडल काफ़ी स्मूद होंगी, काफ़ी अच्छी होंगी कंपेयर टू BS4 मॉडल, बट अगर आपको BS4 मॉडल पिक करना है थोड़ा प्राइस स्लाइटली कट करके, सो आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। एंड नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, वाई टू पिक BS4 मॉडल ओवर द BS6 मॉडल, वो है पावर। वैसे BS6 मॉडल डेफिनेटली काफ़ी स्मूद होने वाले हैं कंपेयर टू BS4 मॉडल, बट वो पावर के मामले में मार्जिनली लेस पावरफुल होंगे कंपेयर टू BS4 मॉडल। सो अगर ड्रैग रेस करना पसंद है सो आपको थोड़ा बहुत ड्रैग रेस में BS6 मॉडल पीछे छूटते हुए ज़रूर दिखेगी, अगर आपको पावर से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी सो आप डेफिनेटली BS4 मॉडल पिक कर सकते हो ओवर द BS6 मॉडल। और जब एक्सेलरेशन करेंगे आप एक्सेलरेट करेंगे बाइक को, सो आपको पावर डिफरेंस ज़रूर फील होने वाली है BS6 मॉडल एंड BS4 मॉडल में। तो फ्रेंड्स अब टाइम है BS6 मॉडल की, वाई टू पिक BS6 मॉडल ओवर द BS4 मॉडल।
सो पहला पॉइंट जो होगा वो होगा डेफिनेटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ये इको फ्रेंडली होगी, मोर इको फ्रेंडली होगी एक्चुअली। सो ये BS4 मॉडल के कंपेयर में पोल्यूशन बहुत कम प्रोड्यूस करेगी, सो ये डेफिनेटली इको फ्रेंडली होने वाली है BS6 मॉडल ओवर द BS4 मॉडल। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि BS6 नॉर्म को किक इन कर दिए इस साल, एंड नेक्स्ट साल और BS के और ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नॉर्म्स आने वाले हैं ओवर द ईयर। तो आप डेफिनेटली BS6 मॉडल प्रिफर कर सकते हैं ओवर द BS4 मॉडल इस बहुत ही इम्पोर्टेंट से फैक्टर के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नाउ कम टू द सेकेंड रीज़न कि आपको BS6 मॉडल क्यों प्रिफर करनी चाहिए ओवर द BS4 मॉडल। सो एज़ हम सभी जानते हैं कि BS4 मॉडल से BS6 मॉडल के इंजन में कुछ थोड़ा बहुत ट्यून किया जाएगा इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए। सो फ्यूल एफिशिएंसी भी इससे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी ओवर द BS4 मॉडल। तो अगर आपको थोड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंसी वाली बाइक चाहिए तो आप BS6 मॉडल ज़रूर प्रिफर कर सकते हैं ओवर द BS4 मॉडल। सो नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट कि थर्ड पॉइंट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो ये चेंजेस हैं नॉर्मली कॉस्मेटिक चेंजेस एंड फ्यू मोर एडिड फीचर्स। सो डेफिनेटली BS6 मॉडल में कॉस्मेटिक चेंजेस होने ही वाले हैं टू वेरी इफ BS4 मॉडल की बाइक है या फिर BS6 मॉडल की बाइक है। सो कॉस्मेटिक चेंजेस आपको काफ़ी अच्छे अच्छे भी देखने को मिलेंगे, जैसे RR310 के कॉस्मेटिक चेंजेस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, TVS वाली बाइक RR310 की, एंड उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी अवेलेबल हैं अभी BS6 मॉडल में। सो फीचर्स के मामले में डेफिनेटली अपडेट होने वाले हैं BS6 मॉडल। कुछ कुछ मॉडल्स में कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स मिलेंगे, जैसे RR310 में आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिलते हैं, और कुछ कुछ बाइक में यूजुअली एक छोटे मोटे अपडेट्स मिलेंगे आपको फीचर्स के मामले में। अदरवाइज़ BS6 मॉडल और BS4 मॉडल में आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने आपको काफ़ी सारे रीज़न दे दिए किसी भी BS4 या BS6 मॉडल को चूज़ करने के लिए। अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं, BS4 मॉडल या फिर BS6 मॉडल। मैंने आपको बस रीज़न दे दिया, अगर आपको आपके लिए ये रीज़न मैटर करते हैं तो आप डेफिनेटली BS4 मॉडल या फिर BS6 मॉडल प्रेफर कर सकते हैं, एज़ यू प्रेफर। सो मैं इस वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर वीडियोस, जस्ट आप कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करूँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोस, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।